अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होता है? एवरेज कॉस्ट इज पर यूनिट कॉस्ट, जो हमारी पर यूनिट कॉस्ट होती है। और फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। ठीक है, एक आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम प्लस कर दें तो भी हमारा एवरेज कॉस्ट निकल जाएगा, है ना। दोनों को अगर हम इन्हें प्लस कर देंगे, ये हमारे फॉर्मूला है। तो इसके लिए हमें पहले एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है ये पहले हमें इसका डायग्राम कैसे बनाना है, इसको कैसे शो करना है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमारा क्या हुआ? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इट इज द रेशियो ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड क्वांटिटी। क्वांटिटी और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बीच का जो बीच का रेशियो है, मतलब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। अब जो क्वांटिटी है उसको हम ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड दिस इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगी, ये हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होगी। और ठीक है, ये हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट होगी। अब हम एवरेज फिक्स कॉस्ट लेंगे। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है? एवरेज फिक्स कॉस्ट हमने फॉर्मूला कर लिया है टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी 10 है, जो हमारी सेम है, पहले भी हमने 10 ली थी, 10, 5 वर्सेस 3.3, 2.5 एंड दिस इज 2। ये हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट निकल गई है। अब हम अपना डायग्राम बनाते हैं। टोटल एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है? कम होती जाती है। जितना हमारी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है, हमारी जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो कम होती जा रही है। ठीक है, जितना हम फिक्स कॉस्ट है वो प्रोडक्शन होने के बाद जितनी प्रोडक्शन होगी, जितनी क्वांटिटी बढ़ेगी, हमारी फिक्स कॉस्ट क्या होती जाती है? डिवाइड, मतलब कम होती जाती है। तो ये हमारा हो गया एवरेज फिक्स कॉस्ट का, लेकिन ये कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। एवरेज फिक्स कॉस्ट का ये हमारा डायग्राम हो गया। क्वांटिटी जितनी रेज होगी, एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगी? उतनी कम होती जाएगी, बट इट कैन नेवर बी ज़ीरो। क्यों ज़ीरो नहीं होगी? कि जो हमारी कॉस्टिंग है वो कुछ ना कुछ तो रहेगी, कॉस्टिंग कुछ ना कुछ तो रहती है, तो इट विल नेवर बी ज़ीरो, ये कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। नाउ बी पार्ट, सेकेंड पार्ट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? इट इज़ रेशियो ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड क्वांटिटी, इन दोनों के बीच का जो रेशियो होता है, मतलब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। फाइन, अब हमारी क्वांटिटी है 1, 2, 3, 4, 5 दिस इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट, 10, 18 सेम वही हमने पहले डिमिनिशिंग से फिर इंक्रीजिंग रेट से टेबल को आगे बढ़ाया। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, इसको करेंगे हम 10, 9 दिस इज 8, 7 एंड 8। देखो, एवरेज जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है, ये स्टार्टिंग में क्यू के बढ़ने से हमारी क्वांटिटी बढ़ रही है, उससे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारी गिरती है। वेरिएबल कॉस्ट गिरती जाएगी जब हमारी जितनी क्वांटिटी बढ़ रही है, एवरेज तो उतना मतलब गिरता जाता है ना कॉस्टिंग का। एंड आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम के बाद अगर क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ रही है तो हमारी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो भी बढ़ने लगती है। तो इसका जो डायग्राम होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो डायग्राम होता है, वो हमेशा ऐसे करके जाता है। दिस इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये हमारी होगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम अब रिलेशनशिप देखें इनके बीच का, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, इन तीनों के बीच का जो हम अगर एक जो रिलेशनशिप है उसको देखेंगे, तो
पहले तो आपको यही देखना है कि जो आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो तो आपका नीचे जाता रहता है। आप पहले ये तीनों में इसका जो रिलेशनशिप है, आप तीनों के पहले तो अगर आपका ये क्वेश्चन आता है रिलेशनशिप का, आप तीनों को डिफाइन कर देंगे। फाइन, बिना किसी उसके आप डिफाइन करेंगे, उसके बाद रिलेशनशिप के लिए आप डायग्राम बना के उसका एक्सप्लेनेशन दे देंगे। अब आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट जो होता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट आपका नीचे जाता है हमेशा। ये आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट है, ठीक है, ये हमेशा नीचे जाएगा आपकी कॉस्टिंग। जितनी क्वांटिटी आपकी प्रोड्यूस होंगी, जितनी क्वांटिटी आपकी बढ़ेंगी, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट तो ये हो गया। एवरेज फिक्स कॉस्ट से टच होता है आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जाता है। ये आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम है, ठीक है, आपने अभी ये देखा है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बाद आपका जो एवरेज कॉस्ट का जो डायग्राम है, इसमें आपका देखो लोअर पार्ट इसका ये, आपको बस इतना देखना है जो आपका आउटपुट और जो कॉस्टिंग के बीच का एक रिलेशनशिप है उसके हिसाब से आपको इतना देखना है। पहले डिमिनिशिंग फिर इंक्रीजिंग रेट से है कि जहाँ पे इसका लोअर पॉइंट रहेगा उसके लेफ्ट पे आपको एवरेज कॉस्ट का लोअर पॉइंट देना है। आपका एवरेज कॉस्ट का जो जाएगा वो भी सेम यही, स्टार्टिंग में जो आपका एवरेज कॉस्ट है वो भी गिरेगी, बट एक हद तक गिरेगी, ठीक है। फिर थोड़ा जब ज़्यादा एक बढ़ना शुरू होगा, स्टार्ट होगा, तो एक दम से वो, मतलब उसके साथ जितना एवरेज कॉस्ट जहाँ से बढ़ रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो भी, ज़रूरी नहीं मतलब है, हो ही नहीं सकता ऐसा कि एवरेज कॉस्ट भी, क्यों, क्योंकि आपका वो लॉ लग रहा है यहाँ पे डिमिनिशिंग रेट और उसके बाद इंक्रीजिंग रेट पे। तो ये आपका पहले ये गिर रहा है, यहाँ तक जाके ये पूरा गिरा, इसका लोअर पॉइंट जो होगा वो यहाँ पे होगा। आपको ये चीज़ याद रखनी कि लोअर पॉइंट जहाँ से ये गिर के उठना शुरू कर रहा है आपका, ये वहाँ से नहीं होगा, आपका लेफ्ट जाके ये होगा, क्योंकि ये आपका, अगर आप अकॉर्डिंग टू द टेबल जाएंगे तो आपका डायग्राम ये बनेगा। इसका लोअर पॉइंट थोड़ा इधर रख के मैं इसमें साथ में आपका मेंशन कर देती हूँ, लोएस्ट ऑफ एसी कर्व लाइज टू द राइट ऑफ द लोएस्ट ऑफ एबीसी। ये आपको बस अपना डायग्राम, अगर आपको ये वाला सही करना है, आपको ये जो है इसके अकॉर्डिंग अगर आप करोगे तो आपका डायग्राम सही होगा, अदरवाइज नहीं। ये चीज़ ऐसा क्यों है, ऐसे ये जो एक रिलेशनशिप है वो आपने प्रोडक्शन में भी पढ़ लिया है, कॉस्टिंग में सेम वही रिलेशनशिप लग रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग इसको करेंगे। दिस इज क्वान्टिटी, दिस इज कॉस्ट, दिस इज पॉइंट ऑफ ओरिजन, ये आपका रिलेशनशिप हमारा बन गया है बिटवीन एसी एबीसी एंड एएफसी, ठीक है। इसके बाद मार्जिनल कॉस्ट है हमारी, वो हम नेक्स्ट उसमें करते हैं।